के सिरसागंज में एसडीएम के द्वारा झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई, इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकानें छोड़कर फरार हो गए। कई अस्पताल व झोला छाप डॉक्टरों की दुकानों को सीज कर दिया गया। फिरोजाबाद के सिरसागंज क्षेत्र में जिला अधिकारी फिरोजाबाद के निर्देशन पर एसडीएम सिरसागंज नवनीत कुमार गोयल ने बुधवार की सुबह ताबातोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से दुकान खोल बैठे झोला छाप डॉक्टरों के अस्पताल व दुकानों में छापेमार कार्रवाई की। वहीं छापेमारी के दौरान अवैध रूप से दुकानें संचालित कर रहे डॉक्टरों में अफरा तफरी मच गई। कई अस्पताल संचालक मौके से फरार हो गए। साथ ही एसडीएम सिरसागंज ने संदिग्ध कई अस्पताल व दुकानों को सील कर दिया। गौरतलब है कि अस्पताल की जांच के दौरान अस्पताल व दुकानें चला रहे डॉक्टरों से लाइसेंस व डिग्री संबंधित कागजात मांगने पर उपलब्ध नहीं कराने पर एसडीएम सिरसागंज नवनीत कुमार गोयल ने कई दुकानें व अस्पतालों को सीज किया। छापेमार कार्रवाई की जानकारी होने पर कई झोला छाप अपनी दुकानें व अस्पताल खुले छोड़कर भाग गए। सूर्य प्रताप सिंह, सिरसागंज, फिरोजाबाद, समाचार 24। सर आज किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? आज जिलाधिकारी फिरोजाबाद के निर्देशन में ये कार्रवाई, जो अवैध रूप से ट्रामा सेंटर और ऐसे क्लिनिक जिन पर कोई लाइसेंस नहीं है, जिनके डॉक्टर्स पर कोई डिग्री नहीं है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। ऐसे बहुत से मामले संज्ञान में आ रहे थे कि अवैध रूप से ये सब हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं, तो उनके विरुद्ध ये चेकिंग अभियान चालू किया गया है। सर अभियान के दौरान कितने ऐसे क्लिनिक मिले आज? अभी तक हम लोगों ने 5 क्लिनिक को चेक किया है और उसमें से एक क्लिनिक के संचालक डॉक्टर साहब मौके पर मिले नहीं हैं। एक क्लिनिक के संचालक डॉक्टर साहब जो है उसको छोड़ करके चले गए हैं। एक के पास वैधानिक कागज प्राप्त हुए हैं, बाकी शेष 2 के खिलाफ कोई कागज ऐसे प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए उनको सील करने की कार्रवाई की गई है।